और इधर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में 5 राज्यों के चुनाव को लेकर चर्चा की है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आज की तारीख में यूपी में बीजेपी के सामने कोई भी चुनौती नहीं है, जबकि कांग्रेस चुनाव में सांस लेने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि सपा के भी पत्ते खुल गए हैं। जिस तरीके से उन्होंने तुष्टीकरण को लेकर बयान दिए हैं, उससे सपा की असलियत सामने आ गई। मुझे तो नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती है, पर कांग्रेस वापस सांस लेने की कोशिश कर रही है, पर मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस को कोई जगह मिलेगी। और सपा के भी पत्ते एकदम खुल गए, जिस तरीके से उन्होंने तुष्टीकरण के बयान दिए, उसके बाद फिर अब किसानों को पकड़ के चल रहे हैं, तो लोग पहचान गए कि सपा की असली नीयत क्या है।